गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 12, एक्सरसाइज 12.1। द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रूल यूजिंग अ वेरिएबल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मैथस्टिक पैटर्न फॉर द लेटर्स गिव बिलो। अब आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। जैसे इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इनके पैटर्न फाइंड किए थे, उसी तरीके से हमें क्या करना है, इनके पैटर्न फाइंड करने हैं। तो अपन इसका ये वाला पार्ट करते हैं। देखिए इसका सेकंड है अपना, और हमें इसका पैटर्न फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने एन दिख रहे हैं, 1 एन दिख रहे हैं। अब अगर हम स्टिक की बात करते हैं तो स्टिक कितनी है, 1 2 3, 3 स्टिक है ना। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 3 स्टिक है, और ये एन कितना है अपना, जैसे 1 है ना, 1 एन अपना कितना है, 1 है। तो अगर अपन क्या लिखेंगे, एन, 3 एन जैसे मैंने लिखा। तो यहाँ पर इसको समझो, जैसे इससे वाला पहले वाले पैटर्न थे, हमने फर्स्ट वाला किया था, उसमें कैसे था अपना, ये अपना आंसर है इसमें ना पैटर्न का। बाकी इसे करेंगे कैसे अपन, जैसे देखो, जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 स्टिक है, तो मैंने 3 लिया, 3 × 1, अगर अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 n मिलता है। अगर इसी तरीके से मैंने 1 फिर 2 इस तरीके से ले ली, तो देखो अब यहाँ पर 3 × अगर हम 2 करें तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना। अब देखो 6 स्टिक हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो गई। उसी तरीके से अगर हमने n बराबर, अब हमने n कितने ले लिए, 3 ले लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने चाहिए। अब देखते हैं आते कि नहीं आते हैं, 3 और n की जगह अब अपने कितने n है, 1 2 3 कर दो, कितने आ जाएंगे, 9, यानी कि पैटर्न बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे भी लिखेंगे, अगर n बराबर अपन 4 लेंगे तो 12 आ जाएंगे, 12 स्टिक आ जाएगी। तो हमें इस तरीके का पैटर्न देखना है, तो इस तरह से आप बना के देखना कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखो 3, ये तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 तो अपना क्या है, 3 तो अपना कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आगे बढ़ता जाएगा 4 5, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रही है ना अपनी, तो इसलिए इस वैल्यू को चेंज हो रही है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, n लिख दीजिए आप, x y z कुछ भी, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को आपको नाम लेना है तो ना वो वेरिएबल लिख देना है आपको। तो इस तरीके से आ जाएगा आपको, तो नंबर ऑफ n और कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ये मैथस्टिक्स इस तरीके से आ जाएंगे आपके, तो आपका ये पैटर्न हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इसको पूरा बना के भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका बी है, बी भी आप पढ़ लोगे, इसमें सिंपली है बस आपको क्या लिखना है, पैटर्न देखो यहाँ पे आपका क्या था, फाइंड रूल्स यूजिंग अ वेरिएबल विच गिव्स अ नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ मैथस्टिक पैटर्न, मैथस्टिक पैटर्न है ये अपना, फॉर अ लेटर। अब लेटर अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो जैसे अगर अपन ने ई लिया, 1 2 3 और फिर ये 4 5, कितनी स्टिक है, 5 स्टिक है। ई कितना बन रहा अपना, 1, तो अगर अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो आप इस लिख देते हैं स्टिक पैटर्न। अब देखो जितनी स्टिक होती है ना उतना लिख देते हैं, से 1 2 3 स्टिक थी, एन कितना था, 1 है ना, तो अपन ने एन लगा दिया क्योंकि एन अपने चेंज होते जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ई है तो अपन कितना लिखेंगे, पहले तो इनको काउंट करो स्टिक को, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 एन लिखोगे आप, 5 एन आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इसको भी है समझाने का तरीका, सिर्फ आपको तो ये लिखना है, बाकी ये मैं समझा रही हूँ आपको कैसे। देखो 1 2 3 4 5, 5 × 1, ई कितना अपना, 1 है ना, तो 5 आ जाएंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, फिर अगेन कैसे लिखेंगे, वापस से इस तरह से बना दो, ठीक है। तो देखो अभी कितने ई कितने हो गए, 2 हो गए, तो अपने कितने आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए स्टिक, तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। इसी तरीके से अगर अपन 5 × 3 करेंगे 15 आएगा, तो करके देखो कितना हो जाएगा अपना, देखो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो देखो 15 हो गए। तो इस तरीके से हम अपन लिख सकते हैं इनके पैटर्न। इस तरीके से आप W का लिख लेना, तो W में पहले स्टिक काउंट करना और फिर इंटू N कर देना, क्योंकि जितने जितने आप W बनाओगे उतनी उतनी आपकी स्टिक आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसको भी आप लिख लेना ऐसे ही। स्टिक पैटर्न लेटर्स कितना जाएगा 3N। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, फर्स्ट अपन ने पहले ही कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, इफ अ बर्ड फ्लाइज अ डिस्टेंस ऑफ t किलोमीटर इन अ 1 मिनट देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन 7 मिनट। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से पहले यहाँ पर समझना है कि अगर 1 मिनट है अपना, मतलब एक बर्ड है उसने 1 मिनट वो अगर फ्लाई करती है तो वो कितना कवर करती है, t किलोमीटर। तो 7 मिनट में कितना कवर्ड करेगी, नॉर्मल बात है। देखो 1 में अगर t कर रही है तो 7 में कितना करेगी, 7 into t कितना जाएगा, 7t। ये आंसर हो जाएगा। इसे लिख लेना आप अच्छे प्रॉपर तरीके से कि अपन क्या लिखेंगे, अ बर्ड फ्लाइज 1 मिनट एंड कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, टी किलोमीटर। देयरफॉर अ बर्ड फ्लाइज 7 मिनट एंड कवर्ड लिख देना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो 1 मिनट में कितना कर रही है, टी किलोमीटर। तो 7 में कितना कर जाएगा, 7 into t, 7 into t को अपन क्या लिख सकते हैं, 70 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको मैंने रफ में आपको समझा दिया था, फिर मैं आपको इजीली इस तरह से करके लिख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव इज रामू हैज़ एक्स लड्डू। रामू हैज़ एक्स नंबर ऑफ लड्डू, ही गेव सम लड्डू टू गेट्स एंड फैमिली मेम्बर, स्टिल 7 लड्डू रिमेन, हाउ मैनी लड्डू डिड ही गेव अवे। अब देखिए, अब जैसे कि मानो पहले कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना, फिर इसको अपन लिख लेंगे। जैसे रामू है, रामू के पास इस बास्केट के अंदर कितने लड्डू थे, एक्स लड्डू थे, ये लड्डू है ना, ऐसे बना देते हैं लड्डू। चलो ये लड्डू हैं, कितने लड्डू हैं, एक्स लड्डू हैं टोटल। जैसे अपन काउंटिंग करते हैं ना, 10 है 12 है, तो हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया कि एक्स लड्डू हैं। इसके बाद इसमें से कुछ लड्डू निकालेगा और वो किसको दे देगा, इसने इसमें से कुछ लड्डू निकल गए है ना, और उसने किसको दे दिए, फैमिली को दे दिए। तो जैसे एक फैमिली और गेस्ट को दिए, तो एक छोटे से बीकर में अपन इसमें रख देते हैं कि वो उसने क्या कर दिया, इसमें से कुछ लड्डू उसने निकाले और किसको दे दिए, फैमिली मेम्बर्स को दे दिए। अब इस तरह से वो देता गया तो ये खाली हो जाएगा ना, और एंड में फिर कितने लड्डू बच जाते हैं, इसमें 7 लड्डू बच जाते हैं। एंड में जब ये खाली हो जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू बच जाते हैं, बाकी सारे वो फैमिली को दे देता है। तो अब हमें ये बताना है, हाउ मैनी लड्डूज डिड ही गेव अवे, तो उसने कितने लड्डू दिए। तो अगर अपन माने कि हमने कितने दिए, एक्स लड्डू थे, ठीक है ना, उसमें से 7 बच गए, तो एक्स माइनस 7 कर देंगे तो जितने बचे वो सब क्या हो गए, लड्डू हमने दे दिए। ये बात हो गई ना कि भाई हमने जितने दिए तो इसमें से जितने दे दिए उतने माइनस कर दूँ, और जो बचेंगे वही हो जाएगा ना। या तो ऐसे करो, या फिर ऐसे कि देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर हमने एक्स लड्डू मान लिए, एक्स लड्डू हैं और कितने लड्डू हमने दे दिए हमें पता नहीं है, तो हमने क्या कर लिया कि वाई लड्डू हमने गिवन कर दिए, तो कितने बचेंगे, एक्स माइनस वाई, इसमें से ये वाले जो हमने दे दिए माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो फिर हमें बोल रहे हैं कि भाई कितने लड्डू आपने दे दिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको जो बच गए ना उसको माइनस कर दोगे, तो ये वो आ जाएंगे कि जो हमने दिए हुए हैं,
हमने गेस्ट को दे दिए हैं। तो इसको ओपन अप करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, रामू हैज़ लड्डूज इज इक्वल टू एक्स, एक्स लड्डू है। देन ही गेव सम लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर। कितने कितने दे दिए, जैसे अगर हमें पता नहीं ना, पर ने मान लिया वाई दे दिए। इसके बाद स्टील सेवन लड्डू रिमेनिंग लड्डू कितने बचे, सेवन। तो अब हमें कितना, हाउ मैनी लड्डू डिड ही गिव, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि टोटल लड्डू एक्स थे, उसमें से कितने लड्डू दे दिए, वाई लड्डू दे दिए, तो कितने बच गए, अब सेवन लड्डू बच गए, है ना। एक्स थे पूरे, उसमें से वाई हमने दे दिए, जो बाकी का बचेगा वो कितना हो जाएगा, सेवन। अब हमें यहाँ पर, अब हमें ये पूछा है कि आपको बताना है हाउ मैनी लड्डू डिड ही गिव अवे, तो देखो ये कितने दे रहा था, वाई, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वाई की। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस में है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और सेवन इधर कितना है, प्लस का इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक स्टेप कम करके, है ना, यानी ये जो वाई है ना इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो वाई माइनस का इक्वल किधर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा, और सेवन प्लस का है इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमको मिल गई कितनी है, एक्स माइनस सेवन। तो क्वेश्चन में यही, हाउ मैनी लड्डूज डिड ही गेव, तो आप क्या लिखोगे, ही गेव एक्स माइनस सेवन लड्डूज, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, इफ देयर आर 40 ऑरेंज इन अ बॉक्स देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन एक्स बॉक्स। देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो जिस तरीके से अगर हम वन बॉक्स की बात करते हैं, वन बॉक्स, ठीक है, इसमें कितनी ऑरेंज है, वन बॉक्स इसमें मानो 40 ऑरेंज है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, फिर अच्छे से आप स्टेटमेंट के साथ लिखना। जैसे वन बॉक्स है, इसमें कितने ऑरेंज है, 40 ऑरेंज है। तो इस तरीके से अगर अपने पास कितने बॉक्स हो जाएँ, बहुत सारे बॉक्स हो जाएँ, है ना, इनके नंबर हमको पता नहीं, ये सारे मतलब एक बहुत सारे बॉक्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बॉक्स बोल रहे हैं, तो इसमें ऑरेंज कितने हो जाएंगे, जैसे 40 40 40 40 करके बहुत सारे हो जाएंगे ना। अब हमें बॉक्स की काउंटिंग नहीं पता, तो हमने क्या बोल दिया, एक्स बॉक्स है, तो वो सब हम क्या कर देंगे, इसमें 40 के अंदर इस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 40x आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप अच्छे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, जैसे ठीक है, ये सिर्फ रफ में सिर्फ समझाया है मैंने आपको, अ बॉक्स हैज, अ बॉक्स हैव ऑरेंज इज इक्वल टू 40, अ बॉक्स हैव नंबर ऑफ ऑरेंज लिख दो, अ बॉक्स हैव नंबर ऑफ ऑरेंजेस, अब एक मिनट रुक जाओ, देखो ना वापस से लिख देते हैं अच्छे से साफ तरीके से, ऊपर ना देखो वापस लिख देते हैं, अ बॉक्स हैज नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 40, एक बॉक्स में कितनी है, 40, देन हम क्या लिखेंगे, एक्स बॉक्सेस हैव नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 into x, ये आंसर आ जाएगा आपका। जिस तरीके से, जैसे समझो ऐसा मल्टीप्लाई ही क्यों किया, जैसे इधर समझो, है ना, ये आंसर हो गया आपका। अगर आपको समझना है तो ऐसे अपन समझ सकते हैं कि जैसे इधर देखो कि अगर मैंने बोल दिया कि एक वन बॉक्स है ना, वन बॉक्स इसके अंदर कितनी है, 40 ऑरेंज है,
इस तरह से अगर मैंने बोल दिया फाइव बॉक्स में कितनी होंगी, फाइव बॉक्स ले लिए अपन ने, जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्स में, तो देखो इसमें भी 40 होगी, इसमें 40 40 40 40, या तो सबको फाइव टाइम्स प्लस करो, या फिर अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो 1 बॉक्स में 40 है तो 1 2 3 4 5 बॉक्स में कितने जाएगी, 5 × 40 कितने जाएगी, 200। उसी तरीके से यहाँ तो मेरे को 1 2 3 4 5 मैंने बोल दिया, लेकिन तो देखो 5 × 40 कर दिया, लेकिन अगर मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता होती तो मैंने इनको क्या बोल दिया, एक्स। तो अब यहाँ पे 40 की जगह क्या जाता, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 5 की जगह क्या जाता, एक्स, तो एक्स इंटू 40 हो जाता। तो उसी तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पर। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। ये मैं देखो वापस फिर बोल रही हूँ, ये दो दो बार मत लिख लेना आप, कि आप ऐसा भी लिख लो ऐसे भी लिख लो, ये सिर्फ रफ है ना, ये रफ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आया कैसे, बाकी आपको इसको इस तरीके से ही करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको सेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट हो गया है, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आएगा अपना यूज़ ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। अब हम इनके ना रूल्स पढ़ेंगे, जो वेरिएबल हैं इनके रूल्स पढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो पर यहीं पे कंप्लीट करेंगे।